स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे चीज के बारे में जो आपके व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर को दोनों को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप एक सफल यूट्यूबर कभी नहीं बन सकते। तो दोस्तों आज मैं बातें करने जा रहा हूँ थंबनेल के बारे में। किसी भी वीडियो के सफल होने में, उनका व्यूअर्स बढ़ाने में सबसे ज्यादा यदि योगदान है तो वो है एक अच्छे थंबनेल का। अगर आपने थंबनेल कमाल का बनाया है अपने वीडियो के लिए तो आपके इस वीडियो को कमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ये वीडियो कमाल जरूर करेगा 100%। थंबनेल एक तरीके से आपके वीडियो का प्रचार करता है। वीडियो के अंदर आपने क्या बोला है, क्या दिखाने की कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, अच्छा बोला है या खराब बोला है, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है या बेकार का वीडियो है, वीडियो कितना दमदार है, ये सब बात की बातें हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो आपके व्यूअर्स देखते हैं वो होता है आपका थंबनेल। आपने अपने थंबनेल में कितना मिर्च मसाला लगाया है, कितना तड़का भड़का लगाया है, कितना दमदार वर्ड्स लिखे हैं आपने अपने थंबनेल्स पर, ये सब आपके वीडियो का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर आपने अपने थंबनेल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके वीडियो का फ्यूचर सुपर हिट है। आप देखते हैं ना दोस्तों कितना खतरनाक तरीके से थंबनेल बनाया जा रहा है आजकल, कितना मिर्च मसाला लगाया जा रहा है, कितना बढ़ा चढ़ा करके वर्ड्स लिखे जाते हैं यहाँ पे। जो जितने ही बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो उतने ही अच्छे तरीके से इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में लगभग सभी यूट्यूबर्स के द्वारा, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, अच्छे हो या बुरे हो, मतलब सुपरस्टार हो या नॉर्मल यूट्यूबर्स हो, सब लोग थंबनेल का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते जा रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि अगर थंबनेल अच्छा नहीं बनाएंगे तो कोई भी उसको वीडियो नहीं देखने जा रहे हैं। जो जितना सिंपल अपने थंबनेल को रखता है उस पे, मतलब उसके वीडियो पे उतने ही कम व्यूअर्स आते हैं, इस बात की गारंटी है। हाँ, अगर चेहरा हिट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो उसकी बात अलग है। जो बिगनर्स है जिन्होंने अभी हाल ही में यूट्यूब शुरू किया है तो उनके लिए थंबनेल का सही से इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ, यदि आप भी अगर हिट हो जाएंगे, आप भी अगर सुपरस्टार हो जाएंगे, अगर आपका भी फेस बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा तब जाकर के कहीं ना कहीं थंबनेल उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं या जब तक आपके व्यूअर्स कम आते हैं या सब्सक्राइबर कम है, तब तक आपको थंबनेल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोचना पड़ेगा और बहुत ही सोच समझने के बाद में थंबनेल लगाना पड़ेगा अपने वीडियो के लिए। अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है दोस्तों कि कुछ यूट्यूबर्स तो हद ही पार करते जा रहे हैं ये थंबनेल बनाने के चक्कर में, मतलब अश्लीलता के हद पे आ जा रहे हैं। न्यूड फोटो लगा देते हैं, गलत गलत तरीके के वर्ड्स लिख देते हैं थंबनेल पे, कुछ बड़े बड़े जो हिट यूट्यूबर्स है उनके फोटो ला करके चिपका देते हैं और उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख करके व्यूज कमा रहे हैं। मतलब कमाल है यार, किसी तरीके से चाहते हैं कि व्यूज उसके वीडियो पे आ जाए। ये अच्छा है या बुरा है ये तो बात की चीज है, लेकिन व्यूज तो मिल रहे हैं ना, यही तो कलाकारी है दोस्तों। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जितना क्रिएटिव है उतना ही उनके वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। जो बिल्कुल से क्रिएटिव नहीं है, जो इसके बारे में सोचता ही नहीं है, बस वो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, बस वही 100, 200, 1000, 2000 व्यूज आ गए वही काफी है, और फिर अपने आप को कोसते हैं कि यार मेरे वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं आ रहे। तो भाई आप क्रिएटिव नहीं बनोगे तो व्यूज कैसे आएगा, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना दोस्तों। भाई मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं कोई यूट्यूबर्स इससे पहले बताया है या नहीं बताया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई मुझे ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टेड लगा, ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी महसूस हुआ इस चीज का, इसलिए मैं चाहा कि आप लोगों के सामने इस बात का शेयर करूं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी, आप लोगों को ये जरूर महसूस होगा कि एक अच्छे थंबनेल के बिना वीडियो का चलना बहुत ही मुश्किल है। देखो दोस्तों, अगर सिंपल सादा थंबनेल लगा दिया जाए तो व्यूअर्स की नजर जाती ही नहीं है इस पे, बस आपका वीडियो एक कोने में बैठा रह जाता है, छुपा रह जाता है, किसी की नजर नहीं जाती। लेकिन अगर आपने तड़का भड़का लगाया है अपने फोटो को या किसी मॉडल्स के फोटो को, अगर अच्छे तरीके से आपने पेश किया है कुछ लटका झटका लगा करके, तो आपके वीडियो जरूर देखे जाएंगे, एक न एक बार तो इस पे क्लिक जरूर होगा। अगर आपने अच्छे शब्द का चयन किया है तो न चाहते हुए भी लोग इस पे क्लिक जरूर करेंगे, और आपने अगर सिंपल रखा है तो कोई नहीं क्लिक करने जा रहा है, ये 100% सत्य है दोस्तों। भाई आप खुद ही नहीं देखोगे, आप खुद ही नहीं देखना चाहते हो एक सिंपल सादा थंबनेल वाला वीडियो, तो दूसरा कोई आपका वीडियो क्यों देखेगा भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। तड़का भड़का लगा हुआ थंबनेल पे आप भी एक बार क्लिक जरूर करोगे, चाहे वीडियो पसंद आए या ना आए।
इस बात की तो गारंटी है। तो ये एक सीखने की बातें हैं दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वीडियो को देखा जाए, आपके वीडियो पे भी व्यूज आए, तो आपको भी सबसे ज्यादा मेहनत थंबनेल बनाने पे करना चाहिए। थंबनेल इस कदर बनाइए, इस तरह का बनाइए कि लोग एक न एक बार जरूर क्लिक करें इस पर। खूब मसालेदार वाला फोटो लगाइए, एकदम खतरनाक तरीके के हेडलाइंस लिखिए इस पर। ऐसा बना दीजिए थंबनेल को कि बिना क्लिक किए हुए कोई जाए ही नहीं। अगर किसी ने YouTube का इस्तेमाल किया और किसी न किसी तरीके से अगर आपका वीडियो साइड बार में या फिर फ्रंट पे या कहीं पर अगर आ जाता है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके वीडियो को क्लिक किया जाए। बस इस बात को ध्यान में रख करके आप थंबनेल पे काम कीजिए और थंबनेल को इसी तरीके से बनाइए कि अगर आपका वीडियो सामने आया है, अगर YouTube पे आ रहा है लोगों के सामने, तो इसको क्लिक किए बिना ये बंदा नहीं जाए। आपका इस बात पर टारगेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए।